उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति विदेशी धरती पर लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहा है, ये चिंता और चिंतन का विषय है, विचार विमर्श का विषय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति विदेश जाता है और कहता है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आरक्षण संविधान की अंतरात्मा है। आरक्षण हमारे संविधान में सकारात्मकता के साथ सामाजिक समानता लाने और असमानताओं को कम करने के लिए। सर झुक जाता है शर्म से, होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन There is a serialized, periodic anti-India rant on foreign soil, such misadventures, वो हमारी भारत माँ पर चोट करते हैं। चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। वो ही मानसिकता जो एंटी रिजर्वेशन की थी, आज के दिन संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेश में कहता है रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए।